हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो तो आज जो हम मेडिसिन डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एसिटिकम एसिडम तो ये जो मेडिसिन है ये बनती है एसिटिक एसिड से और इसको भी हम रिवीजन फॉर्म में करेंगे इसके जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं की पॉइंट्स हैं उसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे सो एसिटिक एसिड से ये मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है इसका जो कॉमन नेम है वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड और ये मिनरल किंगडम को बिलोंग करती है देन कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विद लेग्स फ्लैबी मसल्स फेस पेल वैक्सी मरासमस एंड अदर वास्टिंग डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रेन तो मरासमस जैसे हमने पिछली मेडिसिन uh, पढ़ी लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की उसमें था एब्रोटिनम के बारे में वो भी एक मरासमस चाइल्ड होता है उसी तरीके से इसमें भी जो पेशेंट होगा वो मरासमस होगा कॉन्स्टिट्यूशन वाइज वीकनेस उसके अंदर मिलेगी जो बॉडी uh, उसमें जो मसल्स हैं वो लूज होएंगी लीन थिन होगा और मसल्स uh, भी लूज हैं फ्लैबी हैं लटक रही होगी मसल्स देन फेस भी इसमें पेल मिलता है फिजिकल जर्नल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हैमरेज को लेके। तो ये मेडिसिन हैमरेज के लिए अच्छी है। हैमरेज चाहे बॉडी के डिफरेंट ऑरिफिस में से हो रहा हो चाहे नोज में से हो रहा है थ्रोट में से हो रहा है लंग्स से हो रहा है स्टमक से हो रहा है बॉवल है यूट्रस है मेट्रोरेजिया है विकेरियस मैंसेज हैं यानी कि जिसमें नोज़ ब्लीडिंग होती है ट्रोमैटिक uh, एपिस्टेक्सिस है इन सभी कंडीशन में हैमरेज के लिए कंडीशन के अंदर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है तो किसी भी तरीके के हैमरेज के अंदर भी इस मेडिसिन को कंसीडर किया जा सकता है अब नेक्स्ट पॉइंट इसका जो आता है वो है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन क्योंकि हम एसिड पढ़ रहे हैं तो एसिड ग्रुप जो होता है उसकी सभी मेडिसिन के में आपको वीकनेस मिलती है पेशेंट बहुत वीक होगा डेबिलिटी उसमें मिलती है तो इसके अंदर भी वीकनेस है प्रोस्ट्रेशन है आफ्टर इंजरीज आफ्टर सर्जिकल शॉक आफ्टर एनेस्थेटिक्स तो इसमें एक हिस्ट्री मिलेगी प्रोस्टेशन सीधा ही नहीं है अचानक से पेशेंट वीक नहीं हुआ पेशेंट की हिस्ट्री आएगी वो बताएगा कि पहले तो मैं ठीक था बट ये जो एक्सीडेंट हुआ या ये जो चोट लगी उसके बाद से बहुत कमज़ोरी रहती है ठीक है या कोई सर्जरी हुई उस सर्जरी के बाद से ये इंसान कमज़ोर रहने लगा है एनर्जी नहीं रहती या कुछ एनेस्थेटिक्स ऐसे मेडिसिन वगैरह लिए है उसके इफेक्ट के बाद से ये पेशेंट ऐसा हो गया ऐसी आपको हिस्ट्री पेशेंट में मिल सकती है देन फिजिकल जर्नल्स में थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है थर्स्ट का इंटेंस बर्निंग इनसेटिएबल इवन फॉर लार्ज क्वान्टिटी इन ड्रॉपसी डायबिटीज क्रॉनिक डायरिया बट नॉट थर्स्ट इन फीवर तो पेशेंट में बहुत ज़्यादा थर्स्ट है प्यास बहुत ज़्यादा है प्यास इतनी ज़्यादा बर्निंग टाइप की कि बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन करेगा और नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वो पानी पिएगा पेशेंट बोलेगा कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है बहुत पीता हूँ पानी एंड उसके अंदर इवन ड्रॉपसी कंडीशन मिल सकती है अलॉन्ग विद थर्स्ट उसमें ड्रॉपसी बॉडी में एडिमा मिल सकता है डायबिटीज़ मिल सकती है डायरिया हो सकता है उसके साथ साथ थर्स्ट इंक्रीज मिलेगी बट फीवर के टाइम पे उसको प्यास नहीं लगती है. तो ये एक यूनिक पॉइंट है इवन एग्ज़ाम के अंदर भी जो एम एग्जाम होते हैं ए आई पी जी टी पी जी एग्जाम्स जो होते हैं उनके अंदर भी ये पॉइंट को पिक कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन है जिसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा थर्स्ट है लेकिन फीवर में थर्स्ट नहीं है तो उसमें एसिडिक एसिड मेडिसिन होती है कैन नॉट स्लीप लग ऑन बैक पेशेंट क्या कह रहा है कि बैक पे लाई करके नींद नहीं आती बहुत यूनिक पॉइंट है कि उसको बैक पे जब वो लेटता है तो उसको नींद नहीं आती सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एबडमन कॉजिंग डिजनिया रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली तो बैक पे लेट के उसको नींद नहीं आती जब पेट के बल लेटता है तो उसको ज्यादा अच्छा फील होता है पेट में एबडमन में सेंसेशन कैसी है सिंकिंग सेंसेशन है जैसे सब कुछ नीचे की ओर जा रहा है और सांस लेने में उसको तकलीफ होती है इसीलिए जब वो बेली पे लाई करेगा तो उसको अच्छे से सांस आएगा अच्छे से आराम कर पाएगा नेक्स्ट आता है जीआईटी आई सिस्टम के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो है डायरिया तो डायरिया कैसा है कॉपियस है एग्जॉस्टिंग ग्रेट थर्स थर्स बहुत ज़्यादा है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और डायरिया बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है मतलब स्टूल पास करने के बाद उसमें वीकनेस आएगी बहुत एग्जॉस्ट फील करेगा पेशेंट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पेशेंट में प्रोस्ट्रेशन मिलता है देन डायरिया किस वजह से हो सकता है टाइफस टाइफस मतलब कि टाइफाइड की, की वजह से हो सकता है डायरिया थाइसिस टीबी वगैरह की वजह से हो सकता है डायरिया विद नाइट स्वेट और डायरिया के साथ साथ पेशेंट में क्या मिलता है रात को जब वो सोने जाएगा तो उसको पसीना बहुत आता है नाइट स्वेट की कम्प्लेन करेगा जैसे हम पर्सपायरेशन पूछते हैं कि इस टेकिंग में तो हम पेशेंट से पूछते हैं आपको पसीना कितना आता है तो कहेगा नहीं दिन में तो कोई परेशानी नहीं है रात को बहुत पसीना आता है तो ऐसी कंप्लेंट्स उसमें इस मेडिसिन को इंडिकेट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें क्या पॉइंट है सोर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी बर्निंग वाटर ब्रश एंड परफ्यूज सेलाइवेशन डे एंड नाइट तो प्रेगनेंसी में भी इस मेडिसिन का अच्छा रोल है एंड uh, इसके अंदर क्या सिम्टम आते हैं बेल्चिंग है, है वामिटिंग है बहुत ज़्यादा वामिटिंग हो रही है बर्निंग है वाटर ब्रश है पानी बैकवर्ड डायरेक्शन है मुंह से बाहर निकल रहा है ज़्यादा सलाइवा हो रहा है इन कंप्लेंस के अंदर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है रेस्पायरेटरी सिस्टम ट्रू क्रूब हिसिंग रेस्परेशन कफ विद इनहेलेशन लास्ट स्टेजेस तो कफ जब हो रही हो जब पेशेंट सांस ले रहा है सांस लेते ही उसको कफ आने लग जाती है कोई भी डिजीज़ है चाहे निमोनिया है कोई भी तरीके की रेस्पिरेटरी डिजीज़ की जो लास्ट स्टेजेस है उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है और उन स्टेज़ के अंदर ये सिमटम होएगा कि जब वो पेशेंट सांस ले रहा है इनहेल कर रहा है तो उसको कफ़ आने लग गई है इन्हेलेशन ऑफ वेपर ऑफ़ सिडार विनीगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज इन क्रूब एंड मेलिग्नेट डिप्थीरिया तो इन कंडीशन में सीडार uh, विनेगर का इन्हेलेशन पास्ट जब हमने एक्सपेरिमेंट्स uh, करे हैं उसके अंदर इस चीज़ का जो रोल है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देखा गया है देन बात करते हैं फीवर की जैसे हमने पढ़ा फीवर के अंदर उसको थर्स्ट नहीं होएगी ठीक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसमें फीवर के दौरान थर्स्ट नहीं है अदरवाइज उसको बहुत ज्यादा थर्स्ट है बर्निंग थर्स्ट है तो वो आ जाएगा एसिटिक एसिड हेक्टिक फीवर स्किन ड्राई हॉट बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाएगी गर्म हो जाएगी बॉडी रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट नाइट स्वेट भी मिलेगा रेड स्पॉट मिलेगा लेफ्ट चीक के ऊपर कितना स्पेसिफिक पॉइंट है तो ये भी एम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है नो थर्स्ट इन फीवर बार बार आ रहा है अब बात करते हैं इसके रिलेशन की ये मेडिसिन किसके साथ कैसे काम करती है रिलेशन डिस्कस करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बता रही कि आप इस जो भी वीडियो है इसको सुन के आप इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये सिर्फ एजुकेटिव पर्पस से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पी पीजी के टाइम पे जब हमें मेडिसिन से रिवाइज करनी पड़ती हैं तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि इवन हम ट्रैवलिंग कर रहे हों कहीं पर जा रहे हों बस में जा रहे हैं तो एक वीडियो सुन ली पाँच छः मिनट की होती है उससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा ऑल दो आप बुक से पढ़ते हैं डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ रहे होते हैं तो ये सिर्फ रिवीजन के लिए है ठीक है यहाँ से सुन के आप कुछ भी सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिए अब बात करते हैं रिलेशन की ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा एम के अंदर पी के अंदर पूछा जाता है तो रिलेशन भी हर एक मेडिसिन का पढ़ना चाहिए इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स फ्यूम्स ऑफ चारकोल गैस ओपीएम स्ट्रेमोनियम सो इन मेडिसिन के लिए ये एक एंटीडोट की तरह काम करता है देन सिडार विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड तो ये कार्बोलिक एसिड को भी एंटीडोट करता है फॉलोज वेल फॉलोज वेल के अंदर आ जाएगा कि किसके बाद ये मेडिसिन अच्छा काम करती है मतलब आपने कोई मेडिसिन दी पेशेंट को तो वो मेडिसिन पूरा एक्शन नहीं कर पा रही तो हम उस मेडिसिन का एक्शन कंप्लीट करवाने के लिए इस मेडिसिन को कैसे दे सकते हैं तो इट फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना इन हेमरेज आफ्टर डिजिटेलिस इन ड्रॉपसी क्योंकि ये मेडिसिन हैमरेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है इसलिए अगर किसी के अंदर हैमरेज हो रही है किसी भी टाइप की हेमरेज हो रही है और हमने उसको सिंकोना देकर देखी लेकिन सिंकोना से हमें वो रिजल्ट नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट करे थे तो सिंकोना की जगह हम कौन सी मेडिसिन दूसरी रेफर कर सकते हैं तो वो इन्होंने बताया कि जो एसेटिक एसिड है वो सिंकोना को अच्छे से फॉलो वेल well करती है उसके एक्शन को अच्छे से कंप्लीट करती है डिजिटेलिस के बाद भी दे सकते हैं ड्रॉपसी की कंडीशन में इट एग्रावेट्स द सिम्टम ऑफ आर्निका बेलेडोना लेकेसिस मर्कसोल स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलेडोना तो कभी भी अर्निका बेलेडोना लेकेसिस मर्कसोल इस ग्रुप की मेडिसिन के बाद में आपको कभी भी एसिटिक एसिड मेडिसिन को नहीं देना क्योंकि इससे क्या होगा अगर आपने इन मेडिसिन को देने के बाद एसिटिक एसिड दे दी तो सिम्टम्स एग्रेवेट कर जाएंगे डोज क्या है ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं या वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे कि ये मेडिसिन का क्या डोज एडवाइस करा गया है जनरली ये बुक्स में तो थर्ड टू थर्टी पोटेंसीज की एडवाइस की जाती है नॉट टू बी रिपीटेड टू ऑफन एक्सेप्ट इन ग्रूप ज़्यादा रेपिटिशन इसका एडवाइज नहीं किया गया क्रूप की कंडीशन में कर सकते हैं बट और कोई भी कंडीशन हैमरेज है ड्रॉपसी है उसके अंदर इसका फ्रीक्वेंट रेपिटेशन एडवाइस नहीं किया गया और लो पोटेंसी एडवाइस करिए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लास्ट वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच और भी ज़्यादा मेडिसिन uh, के लेक्चर्स आने वाले हैं सो so, इस चैनल को सब्सक्राइब uh, कर दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें थैंक यू